मैं दुबे सर आप सबका आज के इस नए क्लास में स्वागत करता हूँ। आज के इस नए क्लास में हम सब पढ़ेंगे आधुनिक युग के दूसरे भाग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ा और अब हम लोग द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग जो आधुनिक युग का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है और यह आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो फिर मैं बताता हूं आपको कि जब भी किसी युग की काव्यगत विशेषताएं पूछी जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि उस युग में जो कोई भी रचनाकार हुए, जिन्होंने भी कविताएं, कहानियां या जो कुछ भी लिखा, जिस उस युग की विशेषताओं के बारे में, जब प्रवृत्तियों के बारे में पूछा जाए, तो इसका मतलब यही है कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा, उनकी रचनाओं में जो समान रूप से, माने सभी कवियों के में कॉमन रूप से जो कुछ भी विशेषता मिलती है, वही उस युग की काव्यगत या उस युग की विशेषता होती है। कवियों में मिलती है तो काव्यगत हो गई, और सब कुछ हुआ तो उस युग की प्रवृत्ति हो गई, विशेषता हो गई। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन रचनाओं की क्या विशेषता रही, वो हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इस युग, यह एक महत्वपूर्ण युग रहा। इस युग में जो कोई भी कवि और लेखक हुए, उन वो हिंदी साहित्य में बहुत धनी हैं। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। तो आप ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बहुत सारे नाम हैं। आप जाकर एक बार किताब में पढ़ेंगे। अभी मेरा मूल बिंदु आपकी परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा सकता। ये सब ऐसे बिंदु हैं जिस पर वीडियो चलता ही चलेगा और हम बोलते ही चलेंगे और आप सुनते ही चलेंगे, पर ये अभी ठीक नहीं है। अभी हम लोग मूल बिंदु पर आएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द्विवेदी युग की प्रथम विशेषता की तरफ। वह है राष्ट्रीयता की भावना, यानी देशभक्ति की भावना। द्विवेदी युग का भी प्रारंभ 1903 में ही माना जाता है, तो उस समय देश आज़ाद नहीं था, आज़ाद होने के कगार पर आ रहा था। और उस समय जो कोई भी जो कुछ भी देश में चल रहा होगा, वह बिल्कुल देशभक्ति के विरुद्ध नहीं चल रहा होगा। हर नवयुवक, हर नौजवान, हर कवि, हर लेखक देशभक्ति की भावना से सदा भरा रहा होगा, और यही कारण है और यही उचित भी था। देश की आज़ादी बहुत जरूरी थी और यही कारण है कि जो पढ़े लिखे लोग थे, यानी जो भी कवि लेखक थे, उन्होंने अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं में देशभक्ति की भावना का प्रचार किया और जो कुछ भी लिखा वो देशभक्ति से जुड़ा रहा। दूसरा बिंदु जो आता है, मानवतावादी दृष्टिकोण। इस युग के कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, मानव को मानव समझा। जैसे इसके पहले बहुत सारी जगहों पर हम पाते हैं जहां पर ऊंच नीच सब कुछ, माने ये सारी कुछ इस काल में भुला दिया गया। ऊंच नीच का भेदभाव भुला दिया गया, समाज में व्याप्त जो जो कुछ भी बुराइयां थी, भ्रष्टाचार, जो कुछ भी हमारे पुरानी परंपराएं थी, ढकोसले थे, उन सब का विरोध इस काल के कवियों ने किया, उन इस काल के रचनाकारों ने किया, और इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया, एक मानव को मानव समझने का बीड़ा उठाया। ऐसा इन्होंने प्रचार भी किया और ऐसी इनकी रचनाओं में उदाहरण भी मिलता है। आगे के बिंदु में आते हैं तो हम पाएंगे नारी का उदात्त स्वरूप। नारी का जो चित्रण इस युग के रचनाकारों ने किया, जैसे द्विवेदी युग से संबंधित, द्विवेदी जी से संबंधित जो कोई भी और भी जो लोग इस काल में रहे, उन्होंने नारी के देवी रूप का चित्रण किया। इसके पहले के युगों में नारी को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानी जाती रही, नारी का वर्णन सिर्फ सुख भोग के लिए होता रहा, जो कि इस काल के कवियों ने इसे इस पर पाबंदी लगाई और उन्होंने नारी को भोग की वस्तु नहीं बल्कि नारी को देवी बनाया और नारी को दुर्गा का रूप देकर उन्होंने नारी का सम्मान किया और नारी के बारे में जो भी विचारधारा पुरानी थी उसको बदलने का प्रयास किया और नारी से कंधा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का
आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लोगों को दी। अगले पॉइंट में अगर हम चले तो हम पाते हैं अश्लील श्रृंगार का वर्णन, अश्लील श्रृंगार का त्याग, सॉरी वर्णन अश्लीलता का त्याग। अश्लील माने होता है गंदे, त्याग माने त्यागना। काव्य में जो गंदे विचारधारा थे, यानी जो कुछ भी ऐसा वर्णन जो नख सिख पूरा जो है उठाकर ऐसा लिख दिया जाता था जो एडल्ट कंटेंट बन जाता था, जिसे कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, ऐसा था। आप पुरानी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब कुछ था। तो ये जो चीज़ें थी जो उसमें अश्लील अश्लीलता थी, कविताओं में जो अश्लीलता छिपी हुई थी, इस काल के कवियों ने पूरी तरह से इसको इस पर पाबंदी लगा दी। द्विवेदी जी खुद ऐसे एक रचनाकार थे जो इन वस्तुओं को अच्छा नहीं समझते थे, और उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया, और उनको उनके जो फॉलोअर्स थे यानी उनको जो मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। बल्कि ये कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं कि इस युग में द्विवेदी जी के कारण द्विवेदी जी ने ऐसे लोगों को साहित्य में घुसने पर पाबंदी लगा दी। जो अश्लीलता लिखेगा उसको टिकने नहीं देंगे। वो युग उनसे बहुत प्रभावित रहा, आप समझ सकते हैं। आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ, ठीक है, अश्लीलता का त्याग। अब अगर हम नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं तो वो है अनुवाद की प्रकृति। इस युग में हम अनुवाद की प्रवृत्ति को भी बहुत अच्छी तरह से पाते हैं। अनुवाद की प्रवृत्ति का क्या मतलब? कि जो कोई भी लेखक और कवि थे, उन्होंने दूसरी भाषाओं की रचनाओं को, यानी दूसरे भाषाओं की कविताओं को या दूसरे भाषा के रचनाओं को अपनी भाषा में बदला, ठीक है। जैसे द्विवेदी जी खुद मराठी भाषा के और संस्कृत के जानकार थे, तो उन्होंने मराठी भाषा से उनका बड़ा ये था, लगाव था, उन्होंने मराठी साहित्य से बहुत ही उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और बंगला साहित्य का भी हिंदी में अनुवाद, इसके अलावा भी अंग्रेजी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया गया। और यह एक बहुत अच्छी विशेषता इस काल में उभर कर आई, और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी इतना सुंदर पड़ा, जो भी परिवर्तन हुआ और उसका प्रभाव इस तरह से पड़ा कि अंग्रेजी साहित्य में जो विशेषता थी वो यहाँ पर भी दिखाई पड़ने लगी। जैसे समानता का व्यवहार, सबको समान समझो, किसी को ऊंच नीच भेदभाव वाले दृष्टिकोण से ना देखो। तो ये विशेषता उभर कर वहीं से आई, अनुवाद की प्रवृत्ति से। जब आप दूसरी भाषाओं की कविताओं को पढ़ते हैं, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो इस काल के कवियों ने किया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं भाषा परिवर्तन, द्विवेदी युग की सबसे बड़ी देन। खड़ी बोली का विकास, खड़ी बोली को इन्होंने इस कदर अपनाया कि कविता की भाषा खड़ी बोली जो बन चुकी थी, लेकिन उसको व्यवस्थित करने का, उसको बढ़ाने का, उसको विस्तार देने का कार्य इसी युग में हुआ। तो भाषा में कवि जो विषय जो भी भाषा रही वो खड़ी बोली ने स्थान ग्रहण किया, और खड़ी बोली के आने से बहुत जो व्यापकता थी कविता की और कहानियों की रचनाओं की वो अधिक बढ़ गई, क्योंकि अधिक से अधिक लोग उसको समझ पाते थे और अधिक से अधिक लोगों तक उन ये सब कुछ पहुंचने लगा और लोगों को इससे आनंद भी आया। छंदों का जो कुछ भी प्रयोग हुआ वो स्वच्छता के साथ इस युग में हुआ, ये अगला बिंदु है छंदों का प्रयोग। अगले अगर हम लोग चलें तो हम पाएंगे नवीन एवं साधारण विषयों का चयन। इस काल के रचनाकारों ने नए नए विषय वस्तु को, नए नए थीम चुनकर अपनी कविताओं में ले आए, उनका चयन किया, उन पर कविताएं, उन पर रचनाएं लिखी, और साधारण विषयों को भी चुना। केवल महान विषयों को ही अपना बिंदु नहीं बनाया, साधारण विषयों को भी चुना। तो ये एक अगली विशेषता है
आप लिखेंगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, पिछले वीडियोस में भी कहा था कि आप कोटेशंस का भी चुनाव करें प्रत्येक बिंदु पर, अगर नहीं संभव है तो कम से कम अगर 8 बिंदु 9 बिंदु 10 बिंदु है, 10 पॉइंट हैं अगर, तो उसमें से 4 5 6 में कोटेशन डालने का प्रयास करें, और अगर आप सब में दे पाते हैं तो सब में कोटेशन देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा उत्तर उभर कर सामने आएगा, आप पाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा नंबर भी आप पाएंगे। नहीं, कोटेशंस का अच्छा प्रभाव पड़ता है, कोटेशंस कविताएं ना बहुत कुछ कहती हैं, थोड़े में बहुत कुछ कहने का प्रभाव कविताओं में रहता है। हम 10 लाइन 20 लाइन लिखेंगे, उससे दो लाइन लिख देंगे और वो 2 लाइन का अर्थ जो समझ जाएगा तो वो उस पूरे विषय बिंदु को समझ जाएगा। तो कविताओं में वो प्रभाव रहता है, कोटेशन कविताओं से, कविताओं के अंश में से चुने, वहाँ आप कोई भी किताब रखे होंगे तो उसमें वो मौजूद होगा, आप वहाँ से देख लें। मैं यहाँ बिल्कुल अपनी विद्वता प्रकट करने नहीं, बल्कि मैं सिर्फ इस हिसाब से सब कुछ देख और चयन कर करके आपको बता रहा हूँ कि आप उसको प्राप्त कर जाएं, आप उसको पा जाएं, आप उस उत्तर तक पहुंचकर अपना काम निकालें, अपनी परीक्षा को बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण बना दें। ठीक है, हम लोग इसी तरह से द्विवेदी युग की सभी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, और प्रकृति चित्रण ये एक बिंदु है, ये आप सभी युगों में लगभग लगभग दे सकते हैं। ये आप देखेंगे कि कुछ कॉमन बिंदु ऐसी मिलती हैं जो आप हर जगह दे सकते हैं, तो आप उनको भी बैठा लें। प्रकृति चित्रण का सभी कवियों ने प्रकृति चित्रण किया, बिना प्रकृति चित्रण के तो कुछ नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में मौजूद है ही, तो आप इसको भी अपनी अपने उत्तर का विषय बिंदु बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस तरह से द्विवेदी युग की विशेषताओं को जान गए, कोटेशन आप ध्यान में रखें और पढ़ते रहें, अच्छा नंबर पाएं। धन्यवाद।